आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। बामौर में अखिल भारतीय पाल महासभा के जिलाध्यक्ष सरनाम सिंह बघेल के नेतृत्व में राम जानकी मंदिर बगीचे में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा का बघेल समाज के बंधुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बलवीर सिंह बघेल, सरदार सिंह, दीनानाथ सरपंच, रामाधार बघेल, बूढ़ा बघेल, पवन बघेल, सिद्धार्थ सिंह बघेल, विनोद बघेल, सत्यपाल बघेल द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा में पधारित सभी लोगों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी सिंह बघेल, नीति न्याय मंत्री भारत सरकार रुस्तम सिंह, पूर्व मंत्री राधेश्याम बघेल, गंगाराम बघेल, बलराम बघेल आदि नेतागण मौजूद रहे। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि एसपी सिंह बघेल ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश भी डाला। बामौर से खबर हरपल के लिए शिवशंकर शिवरी की खबर। मिल किया जो सिद्ध करते इस जात के उसको प्रमाण पत्र मिल जाना चाहिए, मेरा ये कहना। जब कोई जाटों को भी धोबी खटीक वाल्मीकि अहिरिया बहिरिया कंजर भातु जाता है तो एक मिनट में सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो इस सर्टिफिकेट में देरी नहीं होनी चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब। थोड़ा दिमाग साफ करके जाना कि राजवंशों के लोग हम लोग नहीं है, हम चरवाहों के बच्चे हैं। एक संयोग एक घटना ने हमें राजवंश में शामिल कर दिया है तो ज्यादा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। दुनिया में हिंदुस्तान में जितने राजा हैं वो रानी की पेट से पैदा हुआ ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता है, चाहे यहाँ धौलपुर ले लो या भरतपुर ले लो या ग्वालियर ले लो या अब बिजावर महाराज, छतरपुर महाराज, पन्ना महाराज, रीवा महाराज, सतना महाराज, सीधी महाराज, उंगरी महाराज, जो भी महाराज है। एक राजवंश है जो जिसकी माँ धनगढ़ थी, बाप धनगढ़ थे, भेड़ चराते थे। एक घटना ने हमको उस